الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات समन क्या कुमारी महचरम नादी कराम आज के प्रोग्राम मजालिस रमज़ान में आपका एक नएान माह रमजान और श्याम के मौजू से आपको रूबरू करा रहे हैं ये महीना जिसकी एक खसूसियत यह भी है ये महीना श्याम का महीना है ये रोज़ों का महीना है जो रोज़ा जो सियाम इस्लाम के पांच अरकान में से एक अहम रुकन है इस महीने के दिनों को रोज़ों से आबाद करना ये अरकान इस्लाम का एक रुकन है एक पिलर है आइए इस रोज़े की हकीक़त फ़जीलत और इसी तरह से इसके फवाद को और इसे छोड़ने के नुकसान को जानने की कोशिश करते हैं अल्ह इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या लदी न आमनु कुब्याम कमा कुतब लअल्लकुम तत्तकून अल्लाह तला इज़्ज़त ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही उम्दा अंदाज में अपने मोमिन बंदों को मुखातब करते हुए फ़रमाया कि ऐ वो लोगो जो मुझ पर ईमान लाए हो कुब अलैकुम कम सियाम कमा अलल अल मिन अबलिकम यहाँ गौर करने की बात है अल्लाह इज़्ज़त हमारे ऊपर रोज़े को फर्ज करार दे रहा है लेकिन जो उसलूब है वो सोचने की बात है वो उस पर गौर करने की बात है अल्लाह ने एक जहाँ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं तो आगे का जुमला देखें फरमाया कमा कुतिबा लदीन मिन कब ऐसी बात नहीं है कि यह है तुम्हारे ऊपर रोज़ा जो फ़र्ज किया गया है तुम अनोखे हो तुम इकलौते हो सबका उम्मतों पर ये रोजे फर्ज नहीं थे तसल्ली दे रहा रब्बुल आलमीन कि तुमसे पहले लोगों पे भी रोजे फर्ज किए गए थे पहली बात तो ये दूसरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका फायदा बतलाया रबुल इस रोजे को फर्ज करने का जो मकसद है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अवामिर को बजा लाने वाले और नवाही से इज्तनाब करने वाले बच जाओ गुनाहों फितनों और शिरको बिदात के माहौल में अपने दामन को इस तरह से बचाने वाले बन जाओ जिस तरह से झाड़ियों से एक इंसान जब गुजरता है तो अपने कपड़ों को कांटों से बहुत ही आराम से बचा कर निकलने की कोशिश करता है ऐसी सिफत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तीसरी चीज क्या अल्लाह इज्जत ने फरमाई मादूदात ये गिनती के चंद ही दिन तो हैं हमने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है ये कोई नई चीज़ नहीं पहले कौमों पे थी हमने फ़र्ज़ किया है ये तुम पर बोझ डालने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए तुम्हें कुंदन बनाने के लिए तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए और जी ये जो फ़र्ज किए गए हैं ये गिनती के चंद ही दिन तो हैं जिनमें सर्दी का मौसम भी हो सकता है मौसम भी हो सकता है जिसमें रातें बड़ी और दिन छोटे भी हो सकते हैं कुछ ऐसे भी दिन हो सकते हैं कि उनमें दिन बड़े हों लेकिन ये गिनती के चंद ही दिन तो हैं गौर करें कैसे चंद दिन हैं अगर ये देखा जाए कि साल के अंदर 360 दिन हैं तो उनमें से सिर्फ तीस ही दिन हैं। और मजीद गौर किया जाए तो और ज्यादा कम मालूम होंगे कैसे वो इस तरह से कि बाज मुफसरीन कहते हैं कि रात और दिन दोनों को डिवाइड किया जाए तो रात में रोजे नहीं रखे जाते और अगर दिन तीस दिन है गोया कि ये साठ दिन थे रातों को मिलाई जाए तो रातों को मिलाने की सूरत में साठ दिनों में से हमें सिर्फ तीस दिन के रोजे हमारे ऊपर फर्ज किए गए तो इस तरह से और कम हो जा रहे हैं इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अयाम मादूदत तीसरी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं आयतों में आगे फरमाया कि वह अन तस्म खैरकुम तुम जो एक महीने का रोजा रख रहे थे हकीकत में वो आधे महीने का था रातों को माइनस करने की सूरत में मजीद ये कि अल्लाह ने फरमाया वह अन तस्म खैरकुम तुम रोजा रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और बेहतरी सवाब के नाही ऐसे है बेहतरी रब के तैयार करदा अजाब से बचने के नाही ऐसे है बेहतरी सेहत व तंदरुस्ती के नाही ऐसे है इसी तरह से अल्लाह रब्ल ने आगे फ़रमायाद् बिकमुल्यसरा वाला अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है तुम्हारे अंदर ताकत ववत है तभी तुम पर फ़र्ज है तुम अगर दायमी मरीज हो तुम्हारे पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है तुम मुसाफिर हो तुम्हारे लिए आसानी है तुम्हारे अंदर क़वत ताकत उसके लिए है तभी है वरना कुछ ऐसे माजूर लोग भी हैं कि जो उसकी जगह पर मिस्किन को खाना खिलाएंगे रोजे से महफूज रहेंगे तो यह आयत बतला रही है कि रोजा जो हमारे ऊपर रबालमी ने फर्ज किया है ये कोई बोझ नहीं बल्कि ये हर नाही से हमारे लिए मुफीद और कार है रोजा है क्या सोम है क्या क्या सोम सिर्फ खाने पीने की चीजों से बाज रहने का नाम है आइए इसकी हकीकत जानने से पहले कुछ हदीसें देखते हैं अल्लाह के अजली साइम रोजेदार अपने खाने पीने की चीजों को और खाने पीने की चीजों में हलाल भी है हराम भी है मसलन कोई शख्स बीड़ी सिगरेट पीता था गुटखा और इस तरह से इस किस्म की श्यात वाली चीजों को लेता था ये चीज़ें तो जायज़ नहीं है उसके अलावा खाने पीने ड्राई फ्रूट फल फ्रूट वगैरह जो खाता था तो जो चीजें खाता था वो छोड़ रहा है रोजे की वजह से जो चीज़ें पीता था वो छोड़ रहा है रोजे की वजह से व शाह मिन अजली अपनी बीवी से करीब जाने या अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील को वो छोड़ता है रोजे की वजह से मालूम ये हुआ रोजा नाम है खाने पीने के अलावा ख्वाहिशात-ए-नफ्स को कुचलने का इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया मल्लम यदा कौल الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه من ان يدع طعامه وشرابه जो शख्स रोजे की हालत में बेहुदा गुफ्तगू को बेहुदा काम को नादानी और नाशाइस्तगी वाले काम या बात को नहीं छोड़ता है सोंग की हालत में तो अल्लाह रबुल्ज़त को ऐसे रोज़ों की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है कि इंसान भूखा और प्यासा रहे मालूम ये हुआ कि हमें अपनी ज़ुबान से अपने आजा व जवारे से बेहुदा चीजों से कोसों दूर रहना है सोम की हालत में वरना ये रोजा रब की बारगाह में इसका कोई वैल्यू नहीं है इसी तरह से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाबा साई साहू मिन सियाम कि कुछ रोजेदार ऐसे हैं कि रोजों से उनके लिए सिवाय भूख के कोई चीज हासिल नहीं होती और कुछ लैल करने वाले सिवाय बेदार रहने के कोई और चीज हासिल नहीं करने वाले मालूम यह हुआ कि रोजे की हालत में खाने पीने और बीवी के करीब जाने के अलावा और भी चीजों से बाज रहना है वरना हम भूखे रहने वालों में से होंगे इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्ना यब्द मिनार रोजा ये ढाल है अब अगर ये ढाल है तो एक दुश्मन से बचाव के लिए ढाल को हर नाही से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरफ से अगर हमला होगा तो ढाल से डिफेंस किया जाता है बचाया जाता है ऐसे ही हम अपने आप को गुनाह के जितने भी काम हो सकते हैं हराम जितने रास्ते हो सकते हैं रोजे के मनाफी जितने भी काम हो सकते हैं हर एक से हमें अपने आप को बचाना है इसी तरह से अल्लाह के नबी वाया सोम फलाफुफ फिन सब बहुदा चला फलिय नम्र कि जब तुम में से किसी के रोजे का दिन हो तो वो हो अपनी बीवी के करीब ना जाए या ऐसी बातें ना करे जो मियाँ बीवी से मुतालिक हों अपनी ज़ुबान को ग़लत चीज़ों के इस्तेमाल में ना लगाए अगर उसे कोई गाली देता है या उससे कोई बहस व तकरार या लड़ाई झगड़ा करता है तो ये कह कर के अपने आप को रोके कि मैं रोज़े से हूँ इन हदीसों से ये मालूम हुआ कि इंसान रोज़े की हालत में बल्कि एक और हदीस अगर मिला लें तो बात और वाजे हो जाएगी इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुख़ातब करते हुए फरमाया या माशर अलशबाब मन इस्तताअ فليتزوج आखिर में है فانه اغذ للبصری واحسن للفرج ومن لم يستطئ فعليه بالصوم فانه له وجاء यह रोजा जो है ये निगाहों को नीची करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है मालूम ये हुआ कि रोज़ा नाम है निगाहों को नीची करने का रोजा नाम है जुबान पे कंट्रोल करने का रोजा नाम है कान पे कंट्रोल करने का रोजा नाम है अपने हाथ और अपने पांव पे कंट्रोल करने का यही वजह है कि अहले इल्म ने रोजे की जो तारीफ की है उसमें दर हकीकत ये बयान किया है कि रोज़ा नाम है कुल आठ चीज़ों से बचने का चुनानचे कहते हैं कि रोज़ा सौम ये हकीकत में बाज रहने रुक जाने का नाम है अल्लाह रब्जत ने सुर मरियम में हजरत मरियम के वाक़े में जिक्र किया है कि मरियम से अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने कहा था कि वो कहेंगी इन नज़र तोलेमानी सऊन फलन उकल मल्योम इंसिया कि मैंने नजर मानी है रोज़े की सोंग की लिहाजा आज मैं किसी से गुफ्तु नहीं करूँगी गुफ्तु ना करने को सौम से ताबीर किया गया है रोजे से ताबीर किया गया है मालूम यह हुआ कि रोज़ा गुफ्तु ना करने का भी नाम है इसीलिए अहले इल्म ने तारीफ की है कहते हैं कि रोजा नाम क्या है पेट को खाने पीने से रोकना गोया कि पेट का रोज़ा है कि उसके अंदर खाने पीने वाली चीजें सुबह सादिक से और गरूब शम्स तक ना जाएं दूसरा क्या जवारे आजा व जवारे को गुनाहों से बचाने का नाम है तीसरा जुबान को फहश बातों से गंदी बातों से महफूज रखने का चाहे वो बातें गिबत तो व चुगली के कबील क्यों हों गाली गुलूच क्यों हों जुबान से जो भी खिलाफ शरा बातें निकलती हैं फजूल बातें निकलती उनसे बचने का नाम है कान को गाने बजाने म्यूजिक और ऐसे ही गीबत की बातों और चुगली की बातों को सुनने से रोकने का नाम रोजा है इसी तरह से आंख का रोजा क्या है हराम चीजों की तरफ देखना चाहे वो हो चल रहे रास्ते में गैर महरम बरहाना औरतों को देखना हो या इसी तरह से मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में उनमें नाचने वाली गाने वाली और इस किस्म की बरहाना तस्वीरों को देखना है इसी तरह से कहा कान का यह है कि इन चीजों को सुने और आँख का रोजा यह है कि हराम चीजों की तरफ देखें और ऐसे ही हाथ का रोजा यह है कि हराम चीजों को छुए पांव का रोजा यह है कि हराम काम की तरफ चल करके जाए और शर्मगाह का रोजा यह है कि हर जिमा और हराम रास्ते से उनका इस्तेमाल करना चाहे कोई शख्स अपनी शर्मगाह से मनी निकाले हालतें सौम में वगैरह तो यह है आठ चीजें अहले इब्ने बयान की हैं जिनका मतलब ये है कि इंसान ये ना समझे कि हमने खाना और पीना छोड़ दिया है हम रोजे से हैं बल्कि इंसान पूरे तौर पे अपने आप को गुनाहों से और रोजे की हालत में जिन चीज़ों से बचना है जो चीज़ें रोजे को ख़राब करने वाली हैं उन तमाम चीज़ों से बचने का नाम रोजा है आइए सौम की कुछ फजीलतें जानने की कोशिश करते हैं जो अहादीस के अंदर आई हुई हैं चुनाचे अल्लाह के नबी वसल्लम ने कई हदीसों में इसकी फजीलत बयान की है आप फरमाते हैं कुल आदम वाफ। के नबीम ने फरमाया कि अल्लाह रबुल्जत फरमाता है कि आदम की औलाद जो नेकिया करती है हर अच्छे काम पर दस निकी से लेकर अल्लाह तत सौ तक बढ़ाता है लेकिन सोम जो है रोजा जो है फ इन नहूली व अना अजीबी बहुत बड़ा रब है खजाने में कोई कमी नहीं है सारे लोग आदम से लेकर क़्यामत तक मांगें अपनी मुरादें मांग लें लेकिन रब के ख़जाने में सुई जो समंदर में डालने के बाद समंदर में कोई कमी नहीं होती है ये अल्लाह रब्बुल रबुल्जत के ख़जाने की मिसाल है जैसा कि हदीस में अल्लाह रबुल्जत कह रहा है कि नैकियों को हम सात सौ गुना तक बढ़ाएंगे लेकिन रोजे का मसला यह है कि रोजा बंदे ने मेरे लिए कनेक्शन है मेरा बंदे के दरमियान ये राज है वो तन्हाई में कुछ खा पी सकता है लेकिन मेरे खौफ की वजह से नहीं खा रहा है इसलिए मैं जितना चाहूं दूं याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजों के बारे में यह जबता बतलाया है बिला हिसाब हिसाब सब्र करने वालों को अल्लाह रबुल्ज़त पे हिसाब नवाजता है और सब्र के माने भी हैं अपने आप को रोकना चाहे वो तात के कामों पे रोकना चाहे वो गुनाहों से रोकना चाहे वो तकदीर के फैसलों पर अपने आप को राज़ी रखना जो सब्र की तीन किस्में हैं तो एक सब्र के बारे में कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा दरगुजर के बारे में फमन आफा वज रूहूअल्ला जिसने किसी को माफ़ किया सुलह से काम लिया तो उसका अजर अल्लाह पर है अल्लाह कितना नवाजे नहीं पता ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह अनोखा जबता रोजे से मुतालिक रखा है

तो उस दिन के रोजे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से सत्तर साल या एक रिवायत के मुताबिक सौ साल की मसाफत तक दूर कर है यानी जहन्नम और वो दोनों के दरमियान सौ साल एक सवार चल करके जाए इतनी दूरी हो जाती है महज एक दिन के रोज़ा रखने की वजह से इसी तरह से रोजे की फजीलत में अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में फरमाया जो रब की रिदा की खातिर रोजा रखता है और हालत है तो ऐसी सूरत में वो इनशा जन्नत में दाखिल होगा इसी तरह से अल्लाह के वसल्लम ने फरमायान युशफम यह रोजा और कुरान बंदे के लिए रोजे क्यामत सिफारिश करेंगे रोजा कहेगा अल्लाह मेरी खातिर इस बंदे ने अपने आप को खाने पीने से बाज रखा था लिहाजा तू इसे बख्श दे और कुरान भी कहेगा कि मेरी तिलावत की खातिर इसने अपनी नींदों को कुर्बान की थी चुनाच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें इनकी सिफारिश को कबूल करते हुए उन्हें बख्श देगा इसी तरह से रोजे की फजीलत के बाद में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के अंदर जहां आठ दरवाजे हैं उन दरवाजों में से एक दरवाजा रोजेदारों के लिए खास है जिसका नाम है यानी करने वाला उन्होंने अपने आप को होने के बावजूद भी रोक के रखा था सातवीं फजीलत नबी ने हदीस में बयान कि रोजेदार के मुंह से गेब की वजह से एक लंबे वक्त तक भूखे प्यासे रहने की वजह से अजीब मुसीबत आती है इसीलिए मिसवाक ज्यादा करने की تلقीन की गई है वो जो बु है जिससे लोग भागने की कोशिश करते हैं रब की निगाह में वो मुश्किल अंबर से ज्यादा महबूब है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोज़ेदार कितना महबूब रब के यहां होगा इसी तरह से आठवीं हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई कि पांच वक्ता नमाजें रमजान दूसरे रमजान तक ये है इंसान के गुनाहों के लिए कफारा हैं जब तक बंदा कबीरा गुनाह का मुरतक ना हो क्योंकि उसके लिए तौबा शर्त है इसी तरह से नवी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिल्लाहि अज़्ज़ा व उतका इंदा फी लैला हर इफ्तार के वक्त दिन भर भूखे प्यासे इबादतों में अपने आप को लगाने के बाद जब बंदा इफ्तार करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त रोज़ाना हर रात के आगाज के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है दसी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं एक खुशी जिस वक्त वो तो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा ग्यारहवीं फज़ीलत यह है अल्लाह के नबी नबीम इब्ने मर्रा कहते हैं कि एक शख्स अबीबन का आप की खिदमत में आया और उसने कहा अल्लाह के नबी नबीसम आपका क्या ख्याल है अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह महमदर रसोल्ला की गवाही दूँ पंज वक्त नमाज़ें पढ़ूँ माह रमज़ान के रोज़े रखूँ ज़क़़त की अदायगी करूँ तो मेरे लिए क्या है आपने फ़रमाया जो बंदा इस पर मरता है जिनमें माह रमज़ान का रोज़ा भी है तो वो सिद्दीकीन और शहदा में से होगा ये फ़ज़ीलतें हैं रोज़ा रखने की जो हदीसों में अल्लाह के नबी ने बयान की हैं इस ज़माने में माहरीन ने अतबा ने कहा कि रोज़ा रखने से बहुत सारे फ़वाद हैं मसलन ब्लड में शुगर की मकदार कम हो जाएगी जो शुगर पेशेंट हैं कोलेस्ट्रोल का लेवल इसकी वजह से कम होता है इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की जिसको कुत मुदाफ़ात कहते हैं ये ताकत बढ़ेगी वजन में कमी वाक़ होगी इंसान के हाज़मे का निज़ाम बेहतर होगा चुनानचे तिब्बा कहते हैं कि इंसान को साल में चाहिए कम से अज कम चार हफ्ता अपने आप को पंद्रह पंद्रह घंटे तक भूखा के ताकि मशीन जो मुसलसल काम करती है उसको आराम करने का मौका मिले यह और इस किस्म के बहुत सारे फवायद अहल जिक्र करते हैं नादिन कराम जो शख्स रोज़ा नहीं रखता है बावजूद इसके कि वो ताकतवर है तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया सही मुस्लिम की बिन जुंदु की एक लंबी रिवायत है कि आप सोए हुए थे आपको ले जाया गया एक ऐसे पहाड़ी पर जब चढ़ नहीं सकते थे फरिश्तों ने कहा आप चढ़ें हम आपके लिए रास्ता आसान करेंगे आपने वहाँ देखा कि कुछ लोग उल्टे लटकाए हुए हैं जैसे जानवर के खाल निकालने के लिए पांव ऊपर सर नीचे होता है आपने देखा ऐसे लटके हुए हैं और उनकी बाँछे उनके मुंह फाड़े हुए हैं उनसे खून बह रहे हैं मैंने पूछा ये कौन लोग हैं आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा तोड़ देते थे यहाँ पर सोचने की बात ये है कि टाइम होने से पहले रोजा छोड़ देते थे अब रोजा रखा उन्होंने लेकिन अभी इफ्तार का वक्त नहीं हुआ और उन्होंने रोजा तोड़ दिया तो उनको ये अजाब हो रहा है इसके बरक्स वो शख्स जो सिरे से रोजा नहीं रखता इस महीने को यूं ही गुजार देता है ऐसे शख्स का क्या अशर होगा इसलिए हमें अपने सामने ये वहीद भी रखनी चाहिए और साथ ही साथ अपने सामने उन फजीलतों को भी रखना चाहिए ताकि हम उन फजीलतों को पा सकें नादिन कराम ये वो रोजे थे जिनकी फजीलतें आई हैं जो वाजिबी रोज़े हैं चाहे वो माह रमजान के हों या नफिली रोज़े हैं जो माह रमज़ान के अलावा आइए हम बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ में रोज़ों की कुछ किस्मों को जानते हैं और वो ये कि रोज़े कई तरह के हैं कुछ रोज़े वाजिब हैं जैसे माह रमज़ान के रोज़े जो इंसान ताकतवर है मुफ़ीम है और रोज़े के जो शराइ उसके अंदर पाए जाते हैं तो उसके ऊपर वाजिब हैं इसी तरह से किसी शख्स ने अपने ऊपर नजर मान ली है तो उसके लिए ज़रूरी है कफ़ारा है मसला दिन में बीवी के करीब चला गया तो उसे वाजिबी तौर पे रोजे रखने हैं कुछ रोज़े नफली हैं जैसे शवाल के छः रोज़े आरफा का रोज़ा आशूरा के रोजे तेरह चौदह पंद्रह हर महीने के कमरी तारीख़ के रोज़े पिर व के रोज़े और कुछ नाजायज हैं जैसे मुसलसल रोज़ा रखना खास करके जुमा और सनीचर को रोज़ा रखना शक के दिन का रोज़ा रखना रमज़ान के इस्तबाल में रोज़ा रखना तो ये है इसी तरह कुछ नापसंदीदा हैं बिला सबब के बकर के बाद रोज़े रखने तो ये रोज़ों की कुछ किस्में हैं जिन्हें बताना ज़रूरी था ना दिन कराम वत्म हुआ इजाज़त दें इन अगले दर्स में मिलेंगे अल्मकुम वरहल वर्क